हेलो फ्रेंड्स, कुमार जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको वीवो वी 3336 मॉडल आने की मॉडल नंबर है और ये मॉडल है वीवो का Y200E 5G स्मार्टफोन, जो मेरे पास बिल्कुल आज 31 मार्च को नया आया है। इसमें है प्ले स्टोर खुलने पर कोई भी आईडी शो नहीं कर रही है, तो इसके लिए हम जो है कि इसमें वाईफाई कनेक्ट करके या फिर डाटा कनेक्ट करके ईमेल आईडी बनाकर दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कैसे ईमेल आईडी बनाया जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी ईमेल आईडी बनाऊंगा, किसी भी व्यक्ति की ओरिजिनल पहचान नहीं रहेगी, जैसे नाम या जन्म तिथि या जेंडर या फिर मोबाइल नंबर या कुछ भी मैं जो जानकारी दूंगा वो सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी, क्योंकि किसी की जानकारी शेयर करना इलीगल है, यूट्यूब पर नहीं दिखाया जा सकता इसलिए। तो चलिए साइन इन पर क्लिक करते हैं। कोड नॉट साइन इन आ रहा है, तो आपको वाईफाई यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें सिम नहीं है, बिल्कुल नया फ़ोन है। आप अगर सिम है तो आप ऊपर से डाटा ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाईफाई कनेक्ट कर दिया कुमार जी टेक्निकल का। कुमार जी टेक्निकल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हर नए से नए फ़ोन की जानकारी मिलती रहेगी। हम कोशिश करते हैं कि हर नए फ़ोन की फॉर्मेटिंग, ईमेल आईडी बनाने की वीडियो, ईमेल आईडी हटाने की वीडियो, रिसेट करने की वीडियो, अनबॉक्सिंग सब दिखाएं। तो यहाँ पर साइन इन पर आ गया, यहाँ पर बोल रहा है कि आप अगर आप पहले से कोई फ़ोन चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये नया फ़ोन लिया और इसके पहले मैं जो फ़ोन चला रहा हूँ उसकी ईमेल आईडी इसमें डालना है, तो इसमें यहाँ पर ईमेल और फ़ोन डाल सकते हैं या फिर कोई भी ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं। और उसको डाल के यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देंगे, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर अगर बिल्कुल पहली बार फ़ोन लिए हैं स्मार्टफोन वगैरह, तो आपको नई ईमेल आईडी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति कई ईमेल आईडी रखता है, तो आप उसको नया बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होता है नया बनाने के लिए। फॉर माई पर्सनल यूज, यानी कि आप 18 साल से ऊपर के हैं, इंडिविजुअल हैं, आप व्यक्तिगत जब बनाना चाहते बना सकते। फॉर माई चाइल्ड, अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, यानी आप माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को लिए फ़ोन गिफ्ट करना चाहते हैं, तो फॉर माई चाइल्ड बनाएंगे। तो उससे क्या होता है कि बच्चों से रिलेटेड कंटेंट आते हैं, एडल्ट कंटेंट नहीं आता है ऐसी भी। तो यहाँ पर हमारा प्ले स्टोर अपडेट हो रहा था, कट गया। और वहाँ पर टू मैनेज माई बिजनेस का ऑप्शन एक था, इसके माध्यम से आप जो है कि अगर आप कोई दुकानदार हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, उस आप जो है कि उस कंपनी के नाम से, उस दुकान के नाम से, उस बिजनेस के नाम से फॉर वर्क माई बिजनेस पर ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो फॉर माई पर्सनल यूज मैं बनाऊंगा, इंडिविजुअल निजी भी तो मैं बनाता हूं किसी नाम से। जैसे मैंने बनाया एक कि मैंने किसी का नाम बनाया राधेश्याम, किसी का व्यक्ति का नाम हो सकता है यहाँ पर राधेश्याम। उसके आगे अब वो कुमार है, यादव है, या फिर उसका ग्वाला है, सिंह है, जो भी उसकी जो कि टाइटल होगी उसको डालना है। तो यहाँ पर हमारा बार बार प्ले स्टोर कट रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अभी प्ले स्टोर पहली बार खुला है, पहली बार इसमें इंटरनेट कनेक्ट हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये बार बार कट रहा है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अपडेटिंग गूगल ऐप्स हो रहा है, यानी कि हमारा प्ले स्टोर पहली बार इंटरनेट कनेक्ट हुआ है तो अपडेट कर रहा है खुद को। तो इसको करने के बाद आप बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते थे अगर ये अपडेट नहीं आता। तो अब ये आ जाएगा, ये अपडेट हो चुका है, अब इसको खोलेंगे तो बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए सारी फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता चुके हैं, आपको सिंपली फॉर माई पर्सनल यूज पर करना है। मैंने डाला था नाम राधेश्याम, राधेश्याम। इसके आगे मैं जैसे मैं लगा देता हूँ सिंह, राधेश्याम सिंह, या तो सिंह को आप लास्ट नेम में डाल सकते हैं। ये आप लिखा है ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब इसमें भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भरेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे फर्स्ट नेम है इसमें सिंह, तो मैं फर्स्ट नेम में डाला हूँ सिंह, तो सिंह इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद जन्म तिथि डाल देना है,
तो हालांकि भले ही ये जन्मतिथि किसी की व्यक्तिगत आईडी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको छुपा दूंगा। यहाँ पर जेंडर में मैंने मेल डाल दिया, यानी कि आप महिला हैं पुरुष हैं या बताना नहीं चाहते या कस्टम कर सकते हैं। इसका मतलब होता है रेदर नॉट से मनी, बताना नहीं चाहते। हिंदी में करेंगे तो बताना नहीं चाहते गए। क्रिएट योर गूगल अकाउंट एड्रेस, मैंने बनाना चाहता हूँ जैसे राधे श्याम सिंह, राधे श्याम सिंह 1 2 3 कुछ बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5, क्योंकि राधे श्याम सिंह के नाम से कहीं ना कहीं ईमेल आईडी पूरे विश्व में किसी न किसी ने बनाया होगा, तो हमें नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 5 भी किसी ने बनाया हुआ है तो यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो यूजर नेम आपको कुछ इस तरह से रैंडम रखना है, जैसे मैं बना सकता हूँ 1992। अक्सर कोई जन्मतिथि का साल बताता है, या फिर कुछ इसमें 1998 या 99, तो ये भी रजिस्टर्ड है पहले से, 99 कर सकते हैं, भी नहीं ये भी रजिस्टर्ड है। जैसे 1872 में एक तरह से रैंडम बना, 1872 किसी ने नहीं बनाया होगा, देखिए मिल गया, तो इसका पासवर्ड बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप चाहें इसको मैं कर लेता हूं यहां से कॉपी, यूज मोबाइल कर सकते हैं, कोई भी यूज मोबाइल करके आप अपना यहां पर कंट्री कोड सेट करके अपना फ़ोन नंबर वगैरह इस तरह से डाल के अब यहां से नेक्स्ट करेंगे, ओटीपी मंगा के आप इसको बना सकते हैं। यहां पर यूज जीमेल, तो मैंने राधेश्याम सिंह 1872@gmail.com लिया है, बन गया है। इसका पासवर्ड बनाना है आपको मिक्स लेटर ABCD से जेड तक कोई अक्षर बना सकते हैं, यहाँ पे ये भी बना सकते हैं, स्पेशल करेक्टर लिख सकते हैं, और इसमें नंबर भी मिक्स होना चाहिए। तो मैं बना लेता हूँ जैसे आप बना सकते हैं कि राधेश्याम से बनाया तो राधेश्याम @1234, राधेश्याम @1234 कुछ भी आप बना सकते हैं, या फिर आप बना सकते हैं कि सिंह बना सकते हैं, या फिर चाहे तो आप कोई और भी नाम बना सकते हैं, जैसे @A@1 ऐसे, फिर @1 कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मैं आप पासवर्ड बना लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड बना लिया है सिंपली, अब यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद एडिट फ़ोन नंबर SIMIN करते हैं, एडिट फ़ोन नंबर बाद में ऐड कर सकते हैं, RadheShyamSingh1872@gmail.com ईमेल आईडी मिल गई, सिंपल यहाँ से आई एग्री कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा गूगल सर्विस आ गई, गूगल सर्विस को एक्सेप्ट करेंगे और हमारी ईमेल आईडी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ईमेल आईडी हमारी तैयार होगी, प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। अब वापस से मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ, आप देखेंगे इसमें गूगल अकाउंट हमारा पड़ चुका है यहाँ पर राधेश्याम सिंह के नाम से। अब आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।